हाय गाइस, ये एक रिफर्बिश्ड PS4 है जो कि मैंने 19,000 रुपए का खरीदा है। देखो, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि PS4 बहुत ज्यादा पॉपुलर गेमिंग कंसोल है। इनफैक्ट मैं ये भी बता रहा हूँ आप लोग को, जैसे कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, ये करोल बाग मार्केट है, यहाँ पर गफार है, उधर जो है ना ये PS4 आज भी लोग खरीदते हैं। मेरे को बहुत इंटरेस्ट आया इस चीज़ के अंदर, तो भाई फिर क्या, मेरे को लगा मैं भी खरीद के टेस्ट करता हूँ कैसा है भाई। ऑब्वियसली एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ रखा है, ये है Xbox Series S, और वैसे ये जो नया है सेल में अंडर 25 मिल जाता है, ऑफर वगैरह के साथ मैं बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसको यूज्ड खरीदना चाहो, ये लेटेस्ट है, ये 18,000 तक का भी मिल जाता है। तो मेरे को था कि भाई मैं देखता हूँ यार ये इतना पुराना PS4 जो है इसके साथ कैसे कॉम्पीट करता है, या फिर किसी को भी PS4 खरीदना है, इसे अगर मूड में है आपके, खरीदना चाहिए कि नहीं। अच्छा हाँ, स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार, मैं आप लोगों का टेक खरीदने एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं, तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। वैसे मैं आपको बता दूं, ये PS4 फैट है और इसमें एक प्रो वाला भी आता है वेरियंट, वो हमने नहीं खरीदा क्योंकि जो PS4 प्रो है ना वो 25,000 रुपए के अराउंड मिल रहा था। चलो भाई, बॉक्स में सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, मिलिट्री कलर वाला कंट्रोलर है, ये डुअल शॉक 4 है, और जिस शॉप से मैंने खरीदा ना भाई, नो डाउट बहुत अच्छी कंडीशन में उसने दिया है। अब फाइनली भाई PS4 अपने फैट वाले एडिशन को निकालते हैं और देखते हैं इसकी कंडीशन कैसी है। ठीक है, पूरा मैट फिनिश के अंदर है ये, और थोड़े स्क्रैचेस वगैरह चेक करते हैं कितने एक है इसके ऊपर। मैंने इसको बहुत अच्छे से चेक करा है, ये जितना भी मैट वाला पार्ट है ना इस पे कोई भी स्क्रैचेस या डेंट वगैरह नहीं है, बस ये जो बीच बीच में ग्लॉसी वाला पार्ट है ना इन पे बहुत सारे स्क्रैचेस तो देखो है, लेकिन मैं स्टिल बोलूंगा कंडीशन सुपर्ब है इसकी। चलो बाकी चीजें भी निकाल देता हूँ बॉक्स के अंदर से, फिर HDMI केबल भी दी है और पावर केबल भी। वैसे मैं बता दूं, इसको PS4 फैट क्यों बोला जाता है, मतलब फैट नाम क्यों है, क्योंकि ये एक्चुअली में थोड़े से मोटे होते हैं साइज में। ओवर टाइम पता है क्या करता है सोनी, सबसे पहले तो देखो नॉर्मल, ये तो ओरिजिनल PS4 ही है जो सबसे पहले लॉन्च हुआ था, उसके बाद कुछ टाइम बाद एक स्लिम एडिशन लॉन्च करता है, फिर एक प्रो एडिशन लॉन्च करता है, ये जनरली होता है। आप देखोगे PS5 में भी ऐसे ही होने वाला है ओवर टाइम, और क्योंकि PS5 की बात छिड़ी गई है तो लो भाई साइज कंपैरिजन कर लेते हैं। PS5 कितना ज्यादा टॉल हो चुका है मेरे हिसाब से, भाई थिकनेस भी इसकी बहुत ज्यादा हो चुकी है PS4 के मुकाबले, और नो डाउट सुपर पावरफुल, मतलब ऑब्वियसली सोनी को एक फ्यूचर प्रूफ चीज बनानी थी, इसीलिए PS5 कुछ ऐसा है। देखो Xbox Series S इतना छोटा है कि PS4 के इस फैट वाले एडिशन के इस पूरी प्लेट पे ऐसे फिट हो जाता है, और ये इजिली ब्लेंड हो जाता है आपके सेटअप में, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी। टीवी के साथ कनेक्ट कर चुका हूँ, पूरा सेटअप कर लिया इस PS4 को, अब पावर बटन पे क्लिक कर देता हूँ और बूट होते हुए देखते हैं। A few minutes later. ओए पार्स, इसमें तो FC24 भी है यार। तो गाइज अभी हमने इसको बूट किया ना, तो बहुत सारी गेम्स इंस्टॉल्ड है। एक्चुअली में गाइज जिस शॉप से मैंने खरीदा है ना उसका काम ही यही है, वो पुराने PlayStation सेल करता है, वैसे नहीं भी करता है, बट उनके पास ना शेयर्ड अकाउंट होते हैं, ये क्रैक गेम्स नहीं है, ये एक्चुअली में खरीदे हुए गेम्स है जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। अरे सारे गेम्स में चेकआउट कर रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से गेम्स है यहाँ पर। GTA 5 भी डाल के दिया है, कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2 है, इनफैक्ट यार ये तो लेटेस्ट गेम है WWE 2K23, अच्छी बात है यार, लेटेस्ट गॉड ऑफ वॉर भी मिलता है। ओ यार ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, हॉगवर्ट्स लेगेसी मिलता है, तो एकदम लेटेस्ट गेम ही है। और फॉर सम रीजन रेजिडेंट ईविल 4 है यहाँ पर, जो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। नो डाउट जिस दुकान से हमने खरीदा है ना भाई, बंदे ने फैंटास्टिक पोर्टफोलियो दिया है हमें गेम का, और ऊपर से 1TB वर्जन है, तो भाई मैं इसका फायदा उठा रहा हूँ अभी तो। लेकिन एक चीज ना मैंने रियलाइज करी, क्योंकि ये 1TB की हार्ड ड्राइव है जो काफी स्लो होती है, ये SSD नहीं है, तो पता है फ्यूचर में क्या होगा, जैसे कि स्पाइडरमैन 2 गेम है, इस पे नहीं है सपोर्ट PS4 का ना, इसके पीछे ऑब्वियस रीजन है SSD नहीं है क्योंकि PS4 के अंदर। इनफैक्ट जो भी फ्यूचर में सोनी नए अपने फर्स्ट पार्टी टाइटल्स लॉन्च करेगा वो PS4 के लिए नहीं करेगा। खैर मैं अभी धीरे धीरे टेस्टिंग कर ही रहा हूँ और खेलकर सारे गेम्स बताऊंगा, क्या 2024 में ये PS4 सेंस बनाएगा आप लोग को अगर आप यूज खरीदना चाहो तो। लेकिन इसी नोट पे हम PS4 को कंपेयर कर सकते हैं इस Xbox Series S से, क्योंकि इस Xbox के अंदर जो है ना 512GB की SSD मिलती है, जिसमें से 64GB ही आप यूज कर सकते हो। खैर इसका मतलब ये भी हुआ कि Xbox में जो है मैक्सिमम हम 3-4 गेम इंस्टॉल कर सकते हैं, और अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी जैसा गेम इंस्टॉल कर लेते हो Xbox में, तो शायद 2 ही गेम कर पाओगे इंस्टॉल एक साथ, तो वो एक प्रॉब्लम है जो कि अगर आप Xbox खरीदो तो आपको सॉर्ट करना पड़ेगा खुद से। लेकिन GTA 6 अगर आता है तो
Xbox चला सकता हुआ। अब क्योंकि Xbox Series S और PS4 को मैं कंपेयर कर ही रहा हूँ, तो मुझे लगा सबसे पहले जो है ना GTA 5 दोनों में जो है लोड करके देखते हैं, और जो भी कंसोल जो है सबसे पहले प्लेएबल स्टेट में आ जाएगा मैं मान जाऊंगा भाई वो बेटर है एक तरीके से लोडिंग में। रिजल्ट हम लोगों के सामने है, Xbox Series S को लगे 57 सेकंड्स और PS4 को लगे 2 मिनट 18 सेकंड GTA 5 को लोड करने के लिए। ये PS4 के फैन की आवाज सुनाता हूँ, माइक पास लेके आता हूँ, जेट इंजन की तरह स्टार्ट होता है, पहले थोड़ी आवाज होती है फिर और बढ़ती जाती है फिर काफी बढ़ जाती है। तो अब Xbox में और PS4 के अंदर एक साथ क्रिकेट 22 लोड करते हैं। इस गेम को लोड करने में Xbox को 1 मिनट 55 सेकंड लगे और PS4 को 2 मिनट 22 सेकंड। और एक लास्ट है नीड फॉर स्पीड हीट भी लोड करके देखते दोनों में। ये गेम Xbox ने 1 मिनट 6 सेकंड में लोड किया और PS4 ने 1 मिनट 20 सेकंड में। एक चीज तो क्लियर है भाई, जैसे जैसे हम PS4 के अंदर और भी हेवी गेम्स इंस्टॉल करके उनको खेलना चाहेंगे ना, वो उतना ही ज्यादा टाइम लेगा उनको लोड करने में, क्योंकि हार्ड ड्राइव है। इनफैक्ट हम ये भी इग्नोर नहीं कर सकते कि जैसे-जैसे फ्यूचर में और गेम्स आएंगी वो बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज और बेटर ग्राफिक्स होंगे Xbox Series S के अंदर, ना कि PS4 के अंदर। बट फिर एक और बात आती है, जैसे कि गॉड ऑफ वॉर है या फिर स्पाइडरमैन है, ये सोनी के ना एक्सक्लूसिव फर्स्ट पार्टी टाइटल्स है जो कि सिर्फ सोनी के प्लेस्टेशन में आता है, ये Xbox में आपको नहीं मिलेगी, इसलिए लोग सोनी के प्लेस्टेशन खरीदते हैं। देखो जैसे कि मैंने इसके अंदर गॉड ऑफ वॉर खेला था और नो डाउट ये PS4 जो है गॉड ऑफ वॉर बहुत सही तरीके से हैंडल कर रहा है और ऑप्टिमाइज तरीके से चल रहा है, 30 FPS के अराउंड मिल जाते हैं जो कि कहीं ना तो कहीं स्टेडी फ्रेम रेट्स रहते हैं। और ये सेम बात मैं स्पाइडरमैन के बारे में बोल सकता हूँ जो कि स्टेडी फ्रेम रेट्स दे रहे हैं। इनफैक्ट सोनी के और भी जो बाकी गेम्स हैं जैसे कि अनचार्टेड, द लास्ट ऑफ अस या फिर होराइजन, ये सारी गेम्स जो है PS4 में ऑप्टिमाइज तरीके से चलते हैं। लेकिन लॉजिकल तरीके से सोचा जाए तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं भाई Xbox इसका बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है इस टाइम पे, तो मैंने जो है GTA 5 दोनों कंसोल में चलाया Xbox और PS4 के अंदर, क्योंकि Xbox लेटेस्ट है तो Xbox ना 60 FPS पे GTA 5 चला पा रहा था और नो डाउट इस वजह से बहुत ज्यादा मजा आ रहा था Xbox में खेलने में, जबकि यही सेम गेम PS4 में जो है 30 FPS में चल रहा था, ग्राफिक्स भी इतने अच्छे नहीं लग रहे थे Xbox के आगे, तो वो एक बहुत बड़ा पॉइंट बनता है। अच्छा जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैं PS4 को इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर सकता, शॉप जिससे खरीदी है मैंने उसने मना किया क्योंकि शेयर अकाउंट वगैरह होते होंगे, तो मुझे अगर और गेम्स इसमें लोड करने हैं तो उसके लिए मुझे सीडी खरीदनी पड़ेगी, और नो डाउट PS4 के लिए बहुत सारी गेम्स बहुत इजीली अवेलेबल भी है, तो उसका मतलब लाइक ठीक है सॉर्टेड सीन लगता है। लेकिन अगर मैं बात करूं Xbox Series S के बारे में, क्योंकि इसके अंदर गेम पास मिलता है जो कि 550 रुपीस पर मंथ है और उसके अंदर ना ओवर 100 गेम्स मिलते हैं, और जो भी लेटेस्ट गेम आता है Xbox के लिए वो गेम पास के अंदर फ्री आपको फर्स्ट डे मिल जाता है, तो अच्छी चीज़ है भाई। यहाँ पर पोर्टफोलियो 550 रुपये में बहुत ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा फ्यूचर प्रूफ है, और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था Xbox आप यूज्ड खरीदते हो तो वो 18,000 रुपये तक का मिल जाता है, जबकि PS4 की मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई इसको अब 2024 के हिसाब से देखा जाए तो इसको खरीदना एक गलत डिसीजन हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा बहुत गलत डिसीजन, बट मैं बोलूंगा अगर इसको 15,000 से नीचे का आप खरीद सको तो ही सेंस बनेगी PS4 खरीदने की, नहीं तो आपको मैंने बता ही दिया कि Xbox एक मच मच बेटर ऑप्शन है। आप क्या सोचते हो, अगर आपके पास PS4 है आपका क्या रिव्यू है आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताना, मुझे बहुत मज़ा आया भाई ऐसे इस पुराने PS4 को दोबारा से यूज़ करके, और इस तरीके से मैंने इसको जज किया है कि 2024 में आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इसी तरीके से आप भी जज करके कमेंट लिखना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पर क्लिक कर देना और सब्सक्राइब करके हमारे टेकबर आर्मी को ज्वाइन कर लो, हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।